Which country did you live in? Japan. Japan? Did you understand Hindi? No. Good evening guys, तो जैसे आपको पता होगा कि हम जैसलमेर घूमने के लिए आए हैं, तो अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम होगा इस, अभी हम आए हैं जैसलमेर फोर्ट घूमने के लिए, तो यहाँ पे हम बहुत इन्जॉय करेंगे, बहुत मज़ा आएगा। अगर आपने इससे पिछले बारे मेरे ब्लॉग में देखे जैसलमेर के, तो वो देख लेना क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड अमेजिंग है। तो यहाँ पे हम घूमने के लिए आए हैं ये जैसलमेर फोर्ट, तो इसकी एंट्रेंस में दिखा दी हूँ। यहाँ इसकी एंट्रेंस में गाइस यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगता है, यहाँ नीचे इसके एंट्रेंस चढ़ाइए गाइस, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बाजार लगता है गाड़ियों का, मैं आपको दिखाती हूँ। तो गाइस ये इसकी एंट्रेंस है और देख सकते हो इसके दोनों साइड में गाइस यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे बाजार लगा हुआ है यहाँ पे बहुत बड़ा, यहाँ फॉरेनर्स भी आए हुए हैं बहुत सारे, तो शॉप लगा दी गई है। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत बड़ा बाजार लगता है नीचे की साइड पे, और ऊपर देख सकते हो गाइस ये हमारा जैसलमेर फोर्ट है, गाइस ये लिविंग फोर्ट है, हाँ इस पर बहुत सारे पीपल्स भी रहते हैं, ऊपर की साइड पे कब्जा कर लिया लोगों ने, और यहाँ पे लिविंग फोर्ट है देख सकते हो। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे शॉप है ये, तो यहाँ पे मैं स्पेक्टिकल लेने के लिए आया, चश्मे लेने के लिए आया, तो मैं चश्मा देख लेती हूँ मुझे कौन सा चूज़ करना है, देख लेते हैं। ये वाला चश्मा ले लिया, ये मेरा है, और ये वाला प्रजित का है, तो थैंक यू अंकल जी चश्मा देने के लिए। तो गाइस अभी हम जाएंगे जैसलमेर फोर्ट के ऊपर, बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत इंजॉय करेंगे, और मैं तो स्पेक्टिकल्स भी ले लिए, चश्मे ले लिए, तो चलो चलते हैं ऊपर और देखते हैं। तो गाइस आप यहाँ पर देख सकते हो इतनी सारी आंटी ना, उन्होंने झुमके की शॉप लगा रखी है, झुमके और चैन और इन सब की शॉप लगा रखी है, यहाँ पर देख सकते हो आप, ये इसके एंट्रेंस है, चलते हैं अभी अंदर। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर, देख सकते हो फॉरेनर्स भी आए हुए हैं बहुत सारे, उन्होंने घूम लिया, अभी हम घूमने के लिए जा रहे हैं ऊपर, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है इसकी, चढ़ाई तो कर लेंगे। तो गाइस आप देख सकते हो यहाँ पे ये महल है, इसकी एंट्रेंस है, इतना बड़ा महल है देख सकते हो आप, और यहाँ पे शॉप भी लगी हुई नीचे इसकी, ये स्टैचूज है बुद्धा और गणेश भगवान के, और यहाँ पे ताले के स्टैचूज थोड़े ऐसे, यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पे ये खाने के लिए रेस्टोरेंट खोल रखा है, यहाँ पे चद्दर के लिए है, और यहाँ पे फ्रूट शॉप है इनकी, चिप्स ये स्नैक्स सब कुछ है यहाँ पे। तो चलो चलते हैं यहाँ पे रिजॉर्ट करने में, ठीक है, तो अभी हम जा रहे हैं आगे जाके देखते हैं अभी, और तो गाइस अभी हम जा रहे हैं और आगे जाते जाएंगे, देखते जाएंगे, बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है यहाँ पे, तो और बहुत बड़ा फोर्ट है ये, देख के बड़ी वाली वाइब आ रही है। गाइस ये ऑटो वाले ने उन्होंने परेशान करके रख दिया, आते हैं स्पीड में, पता नहीं यार क्यों उतना डिस्टर्ब कर रहे हैं, बहुत तेज़ आवाज़ें भी करते हैं ये, ओहो यहाँ पे तो बहुत तेज़ धूप है। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं रानी के महल, मतलब रानी के म्यूज़ियम की तरफ, म्यूज़ियम में रानी का महल बोलते हैं उसे, तो जाके देखते हैं, बोला है कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, बहुत इंटरेस्टिंग है, जाके देखते हैं, थोड़ा रास्ते में भी है, देखते जाके कैसा है फिर अंदर से। अभी जा रहे हैं हम यहाँ पे म्यूज़ियम की तरफ, तो गाइस अभी आ गए हैं हम यहाँ पे म्यूज़ियम की तरफ, जैसलमेर फोर्ट प्लेस म्यूज़ियम विजिटिंग आवर, यहाँ पे वो स्टैम्प लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अभी डैडी जी टिकट ले लिए, उसके बाद चलते हैं फिर देखने के लिए, और डैडी जी ने टिकट ले लिए, डैडी जी को डिफेंस की वजह से थोड़ी सस्ती मिल गई है, तो अभी टिकट ले ली, तो चलते हैं अभी, और टिकट काउंटर था, अभी म्यूज़ियम की तरफ जाएंगे, म्यूज़ियम की तरफ, तो म्यूज़ियम जो है ऊपर है, ऊपर चलेंगे, देख सकते हो म्यूज़ियम के एंट्रेंस है, स्मोकिंग करना मना है, तो अभी हम जाएँ, उधर से कुछ नहीं था, इधर से और उधर से है, तो पहले हम इधर घूम लेते हैं, यहाँ पे शस्त्र लाए यहाँ पे, मतलब शस्त्र आर्मर होंगे, हाँ आर्मर होंगे, ये देखिए गाइस एक गन है यहाँ पे, और ये यहाँ पे इंडिया की नहीं है, चाकू हैं ये सारे, तलवारें हैं, और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो तलवारें हैं यहाँ पे, राजा की तलवारें और चक्कू हैं यहाँ पे, राजा के डंडे देख सकते हो, ये क्या है, अच्छा ये तो गन है, और ये पता नहीं क्या है, ये शीश बंदूक, यहाँ पे गन है,
ये देखो छोटी सी गाने एकदम भैंसे का सिंह है, ये भैंसे का सिंह है, भैंसे का सिंह है, देख ये भैंसे का सिंह बफेलो का सिंह है। तो यहाँ पे भी देख सकते हो तलवारें चक्कू ये सारे हथियार दिए गए हैं। और यहाँ पे खुरपी, हमारे यहाँ खुरपी बोलते हैं इसको, खुरपी और ये छुरी कहते हैं। और एक गन से देख सकते हो कितनी बड़ी बड़ी बंदूकें थी पहले, कितनी बड़ी बड़ी गन्स थी पहले के टाइम पे। हमारे पास भी एक गन है गांव में, पर वो ना इसके यहाँ तक की होगी एकदम। यहाँ पर इनकी रस्सियाँ हैं, रोप है, और ये कुछ डंडे वंडे रस्सी रस्सी से मारते हैं ना इसे, ना ऊंट पर बैठ के चलाया जाता था। देखो हाँ, देखो ऊंट पर बैठकर चलाने वाली दोपीदार। अच्छा, तो ये अंकल जी सेक्रेटरी हैं यहाँ की, यहाँ पे कुछ वैसा काम होता था ये करते हैं। और यहाँ पर है दीवान खाना अंकल जी, तो कैसे आप ये देख सकते हो धनुष के लिए है। यहाँ पर धनुष चलाते ना, धनुष तीर मान ऐसे बोलते हैं, तीर मान तो वो है। अभी कैसे आ रहे हैं दीवान खाना, तो अभी हम जा रहे हैं 5 नंबर दिस वे इधर। तो ये है दीवान खाना, और तो बस आप देख सकते हो दीवान खाना है यहाँ पे। और यहाँ पे राजा की तलवार, और ये राजा की कुछ है, ये राजा के यहाँ पे तस्वीरें हैं, देख सकते हो ये राजा की तस्वीरें हैं यहाँ पे। मारवाड़ ब्रज ब्रजराज सिंह जी की राज तिलक समारोह, राजा इस पर बैठता था ना राजा, वो है ये कुर्सी है जिस पर राजा बैठता था। पीछे देख सकते हो उसकी तलवार, यहाँ पर राजा की कुर्सी पर तलवार रखी हुई है, और उससे उसकी हवा करते वो सब कुछ हुई है। और यहाँ पर ये राजकुमारों की फोटो है, राजा की, राजकुमारों की। ये कहाँ से आया, ये कौन से टीम थे, ये ब्रिटिशर्स ने भी यहाँ पर राज किया होगा, तो हम ब्रिटिशर्स के बच्चे हैं, ब्रिटिशर्स। ये गेट नंबर 5 था, तो अभी हम जा रहे हैं गाइस ऊपर, जा रहे हैं 6 नंबर पे। थैंक यू। तो अभी हम जा रहे हैं गाइस 6 नंबर पे। हाँ, ये हम ये भाले देख सकते हो आप, कितने बड़े बड़े भाले हैं यहाँ पे, जो भाला मारते हैं ना वो, इतना बड़े बड़े भाले हैं। तो गाइस ये है गेट नंबर 6, तो चलते हैं अभी ऊपर। तो यहाँ पे ये गेट जो है बंद है, अभी हम जाएंगे ऊपर की साइड पे, वहाँ पे भी ये वाला गेट बंद है, इस साइड में होगा, तो चलो चलते हैं। तो गाइस गेट नंबर 6, और यहाँ पे 7 भी बोल दिया है, 6 और 7 है दोनों है यहाँ पे, पर ये 6 बंद है। यहाँ पर है त्रिपुला, यहाँ पर ये जो राजा हैं मतलब जो किंग्स थे उनकी फोटो है यहाँ पे, तस्वीरें हैं। मारवल जैसल देव, तो गाइस ये जो यहाँ के राजा थे वो हैं मारवल दुर्जन साल दूदू जी, चाहे तो यहाँ के राजा हैं, उनका टाइम लिखा हुआ है कब तक राज किया और वो हैं। तो ये भी हैं, ये सारे राजा हैं यहाँ के। तो चलते हैं चलो अभी और आगे। यहाँ पे सिर्फ ये राजा की तस्वीर है, और यहाँ पे ये लोग आए हुए हैं, देख सकते हो ये राजा की, यहाँ पे राजा हैं किंग्स थे उनकी तस्वीरें लगा दी गई हैं यहाँ पे। टोटल राजा का नाम दिखा दिया है यहाँ पे, टोटल राजा दिखा दिया है यहाँ पे। और श्री कृष्णा जेनोलॉजी यहाँ पे, अभी जा रहे हैं गाइस 8 नंबर पे, यहाँ पे 8 नंबर के अंदर चलते हैं। और ऊपर सीढ़ियाँ हैं, इस पर 2 वे हैं, पर एक वाला तो बंद कर रखा है, गाज विला में बंद कर रखा है पर गाज विला। यहाँ पर 12 है दिस वे इधर, देखते हैं और 12 को जाके दीवान आम, देखते हो इस शील्ड, राजा की शील्ड होती है ना शील्ड, वो है यहाँ पे। अभी हम जा रहे हैं यहाँ पर 20 नंबर पे, अभी इस साइड चलते हैं 19 और 23 इस साइड। तो यहाँ पे कुछ राजा की फोटो है, और अभी जाए इधर, हम इधर जाते हैं। और ये वो है सोफा, तो यहाँ पे तो कुछ नहीं है गाइस, ये बंद कर रखे हैं। और यहाँ पे राजा के टाइम के सोफे पलंग, और राजा जिसे करते थे ना वो निकालते हैं ऊपर से, इसे क्या बोलते हैं लेडी जी, ये होता होता बर्स एक्सरसाइज करने के लिए। हाँ, एक्सरसाइज करने के लिए बीम करते हैं ना, पूजा के लिए, ये पूजा के लिए घंटी वंटी ये सब देख सकते हो। और वो ये चप्पल है राजा की, देख सकते हो स्लीपर्स, और वो थाली है राजा की, और वो बेड है, वो ये बेड है, ये बेड तो राजा का नहीं है, ये बेड चांदी का है ना, अच्छे से देखो चांदी का, उसके पाए देखो लेडी, ऐसे बेड पे सोता होगा राजा, ऐसे राजा का बेड है, और वो बड़ा सा टी शर्ट था, तुम क्या है। अभी चलते हैं इधर,
अभी तो आया हम यहाँ पे। तो यहाँ पे ये तो बंद कर रखा है इन लोगों ने, और यहाँ पे भी जाना बंद कर रखा है इन्होंने। इधर देखते हैं रानी का महल, रानी का महल, रानी का महल जाके देखते हैं। तो वैसे अभी हम आए हैं यहाँ पे रानी महल में, तो अभी रानी महल देखते हैं। और यहाँ पे गए रानी के महल की, देख सकते हो रानी की शायद से मूर्ति है यहाँ पे, मूर्ति लगा दी गई है। और टेलीफोन कहाँ है, टेलीफोन अच्छा वहाँ, हाँ टेलीफोन हुआ। जो चलते हैं इस साइड में, यहाँ पे देखते हैं। हम नोटों की करेंसी नहीं देखी थी ना, देखनी थी, मैं देख चुकी हूँ। हाँ मैं बताऊँ, मैं बताऊँ क्या है, मुझे पता है क्या है। एक साइड प्लान करता था ना प्लान, तो रेडी जी इस पे प्लान करता था रेडी जी। जैसलमेर है ना, मतलब जहाँ तक उसका रास्ता, उसका रेडी जी पूरा मैप है, फोर्ट का मैप है ये। हाँ फोर्ट का, नहीं ये फोर्ट का नहीं हो सकता, डेडी इंडिया का जैसा मैप लग रहा है ये, फोर्ट का मैप नहीं। घर क्यों है फलरी ये फोर्ट में, अभी कैसे हम आए हैं 27 पे नंबर पे, कितनी बड़ी बड़ी सीढ़ियाँ यहाँ पे, अंडरग्राउंड रूम, क्यून अपार्टमेंट, महारानी का कक्ष, हेट विला। तो ये महारानी का कक्ष है, महारानी का रूम है ये। क्या ये पूरा जयपुर, जयपुर नहीं है जैसलमेर है, कुछ नहीं है यहाँ पे। तो अभी कैसे हम जा रहे हैं आगे घूमने के लिए, तो आप यहाँ पे पीछे देख सकते हैं और यहाँ पे क्लोथ की शॉपिंग होती है। यहाँ पे क्लोथ की बहुत सारी शॉप्स हैं, यहाँ पूरा मार्केट है, यहाँ शॉप्स बहुत हैं, और एक दो रेस्टोरेंट भी बना लिए इन्होंने यहाँ पे। और अभी हम जा रहे हैं आगे घूमने के लिए, आगे देखते हैं यहाँ पे क्या क्या है। लेक व्यू, यहाँ से कैसे हमें वो है ना लेक तालाब, तो हमें यहाँ का तालाब का व्यू आएगा। ऊपर जाके देखते हैं तालाब का व्यू कैसे होता है, लेक व्यू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं ऊपर, यहाँ पे बहुत सारे पीपल्स भी आए हुए हैं, देख सकते हो तोप भी है, देख सकते हो कितनी बड़ी तोप है ये। और यहाँ से भी वही सीन आ रहा है, देख सकते हो यहाँ से पूरा शहर का सीन आ रहा है, और वही लेक एडिशन। और गाइस यहाँ से पूरा सैंड फैंड सब कुछ दिख रहा है। और वहाँ से हम आए थे ना, एक सेकंड, जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं देखो वो भी दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। कहाँ से हम, ओल्ड कैनोन विद नाइस डेजर्ट व्यू, सनराइज एंड सनसेट पॉइंट, शांति द पीस पीस। अच्छा ये तो रेस्टोरेंट का नेम है। यहाँ पे घर भी हैं, ये देखो कितना अच्छा भाई, कितना अच्छा व्यू आता है यहाँ से, कितना अच्छा व्यू। वाह ये देखो वहाँ डेजर्ट भी दिखाई दे रहा है, डेजर्ट ना डेजर्ट, डेजर्ट दिखाई दे रहा है। और गाइज और यहाँ पर ये तोप है, ये बच्चा बैठा है। अभी हम आए हैं शांति रेस्टोरेंट में कुछ खाना खाने के लिए, हल्का फुल्का कुछ खा लेंगे यहाँ पर शांति रेस्टोरेंट में। और यहाँ पर ये फॉरेनर्स भी आए हुए हैं, देख सकते हो। तो गाइज ये लोग जापान से हैं यहाँ पे। विच कंट्री डिड यू लिव इन, जापान, जापान, डिड यू अंडरस्टैंड हिंदी? नो, अच्छा। तो गाइस यहाँ पे हमने चाउमीन खा लिया, और यहाँ पे ये इनका रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे वो जापानीज लोग आए तो उन्होंने बैठ के खाया था। और यहाँ से गाइस देख सकते हो, मैं पूरा यहाँ से टाउन दिख रहा है, पूरा शहर दिख सकता है। उसके पीछे गाइस वहाँ पर डेजर्ट है, कैट है, देख रहे हो कितनी प्यारी कैट है ये, कितनी प्यारी कैट है ये। तो गाइस आज हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत मज़ा आया। गाइज हमने पूरा जैसे मेरे फोर्ट घूमा, इतना बड़ा था, इतना अच्छा फोर्ट था। और गाइज इस फोर्ट में पीपल्स रहते भी थे यहाँ पे, और इसकी यहाँ पे नीचे शॉप्स लगती थी, और हमने बहुत मज़ा किया, बहुत इंजॉय किया। गाइज इससे पहले मेरे जैसलमेर के बहुत सारे ब्लॉग आए, अगर आपने वो नहीं देखे तो उन्हें भी देख लेना, वो भी बहुत सारे अच्छे ब्लॉग्स थे। इससे पहले हमने बहुत सारे ब्लॉग डाल दिए, आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक बाय, टाटा एंड सी यू।